सबसे बड़ा जो हादसा क्रिकेट में हुआ वो पाकिस्तान उस्मैन वॉट। अच्छा, कहते हैं कि ये गैम्बलिंग के पीछे सम ऐसे फेसेस होते हैं जो कि बिल्कुल सही है, एक स्टेट बड़े 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 माफिया के लोग होते हैं, लोग पहचानते हैं पहचानने वाले उस माफिया को। हाई कोर्ट का जज रिपूटेड और वो इतने घटिया किस्म की रिपोर्ट दे रहा है जिसका देख के आपको हंसी आ जाए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इनको क्रिकेट बोर्ड को आप कह रहे हैं क्या इनको 3-3 लाख रुपए फाइन कर दें। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और ये तीनों ये सब माल बना रहे थे। तो ये जो सट्टेबाज होते हैं ये अपने मुल्क के इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को तनख्वाहें देते हैं कि ये खिलाड़ी इस नरगे में इस नेट में क्यों आ जाते हैं। सही, वो इसलिए आ जाते हैं कि इजी मनी, बगैर टैक्स के पैसे, बैग में भरे हुए डॉलर्स एंड पाउंड्स। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो बुरी तरह फाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया, और वो सईद अनवर ने बैट चेंज किया 4 ओवर के बाद और सिग्नल आ गया सट्टेबाज का, जिसको मैं दुनिया के सारे सट्टेबाजों को जानता था एज ए रिपोर्टर। अच्छा, वो मेरी आंखों के सामने भी सलीम मलिक ने 2 दफ़े हेड और टेल नहीं कहा टॉस करते हुए, जिससे कि सट्टेबाज ने मुझे बता दिया था कि साहब ये इन्होंने पैसे लिए हुए हैं टॉस जीतने के कल। सलीम मलिक ने जी हाँ। आपने सरफराज नवाज की बात की, तो सरफराज नवाज वाज ए ग्रेट फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, इमरान खान वगैरह सबको बताया इसके बारे में कि ये रिवर्स स्विंग क्या होती है, किस तरह बॉल टेम्परिंग होती है। PSL की बात कर लेते हैं, T20 क्रिकेट की बात कर लेते हैं, चाहे कोई भी लीग हो, इसमें जुए का इंग्रेडिएंट जो है, जुए का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप हमें 800 वर्ड का आर्टिकल लिख दें पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सट्टेबाजी पे, तुम मुझे $50,000 भी दोगे तो मैं पाकिस्तान के लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकता ना पाकिस्तान की। लॉ में ये कहा जाता है कि यू रिमेन इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। जो किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहा है तो इसका मतलब है उसको कोई लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये सारे ड्रामे मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, कई कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं मैनेजर इंतखाब आलम। दानिश कनेरिया वेरी फाइन बॉलर, ये सट्टेबाजों से इन्वॉल्व हो गए। 10 महीने पहले दानिश कनेरिया ने खुद ही कह दिया कि जी हाँ मैं इन्वॉल्व। ये इमरान खान खुद TV पे आके कह रहे हैं, जमामा का जो भाई जैक, वो बहुत बुरी तरह पैसे हार गया सट्टेबाजी में जुए। उसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट उसी ब्रेथ में ये था कि स्पेयर बेटिंग जुआ नहीं होती। भाई आप किसको कह रहे हैं? डू यू थिंक अगर हम गैम्बलिंग माइनस कर दें? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। ये फिक्सिंग इस गेम में स्टार्ट कब हुई है? क्रिकेट की गैम्बलिंग उस वक्त से शुरू हुई है जब से क्रिकेट का खेल इन्वेंट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टाइम। और आज थोड़ा सा हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट में भी एक वो शेड जो कि बहुत ज़्यादा, या तो पाकिस्तान उसकी वजह से बदनाम होता है या क्रिकेट उसकी वजह से बदनाम होती है, स्कैंडल्स, फिक्सिंग, गैम्बलिंग और स्पोर्ट्स फिक्सिंग। ये इतनी क्यों है क्रिकेट में, और ये क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, और फिर दूसरी कंट्रीज़ की भी। आप सबको पता है इंग्लैंड इस गेम की जो है वो इजाद है, और वो जिस तरीके से इस गेम को लेके चलता है, और वो सिर्फ इसी गेम की नहीं और भी बहुत से गेम्स हैं जो जिसको इंग्लैंड ने जो है इनिशिएट किया है। तो इस पे थोड़ी सी आज बात करते हैं, और इसके साथ साथ सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब। कमर साहब कैसे हैं आप? जी जी बहुत अच्छा, थैंक यू। कमर साहब, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में राइट नाउ कोई ऐसा बंदा है जो क्रिकेट को सबसे ज़्यादा जानता हो इनके अलावा। ये एक ऐसे शख्स हैं जो कि इस क्रिकेटिंग गेम में कमेंट्री भी करी है काफ़ी टाइम तक, फिर उसकी उस पर लिखा भी है, बोला भी है, एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है क्रिकेट पे। तो इनसे थोड़ा सा इस हवाले से पूछते हैं सर। सबसे पहले क्रिकेट और फिर मैच फिक्सिंग, स्पोर्ट्स फिक्सिंग, गैम्बलिंग, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व रहे हैं थ्रू आउट द टाइम। तो ये एक तो ये चीज़ स्टार्ट कब हुई है, ये फिक्सिंग इस गेम में स्टार्ट कब हुई है? देखिए, ये तो इंसान की ये एक फितरती अमल है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है गैम्बलिंग। ये जब से दुनिया कायम है जब से लोग गैम्बलिंग करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर। शादी भी एक गैम्बल लोग कहते हैं। ओह, शादी गैम्बल है, बहुत बड़ा गैम्बल है, कि आपको नहीं पता कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा। आपने एक रिस्क लिया है, गैम्बल किया है, ठीक है ना। तो अब आप, हम तो बात कर रहे हैं क्रिकेट की, ठीक,
क्रिकेट की गैम्बलिंग उस वक्त से शुरू हुई है जब से क्रिकेट का खेल इन्वेंट हुआ है, यानी 15th-16th century से लेके। इसकी मकबूलियत क्रिकेट के खेल की इसी वजह से थी, अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ गैम्बलिंग, कि इसमें जो रॉयल्स थे और लॉर्ड्स एंड लेडीज एंड किंग्स एंड जेंटलमैन इंग्लैंड के, ये इस पर जुआ खेलते थे क्रिकेट में, इसी वजह से इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। वो जुआ यूं के कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अलग चीज़ है, कि कौन सेंचुरी बनाएगा, कौन 50 बनाएगा, कौन 5 विकेट लेगा, कौन विकेट नहीं लेगा, इन सब चीज़ों पे क्रिकेट पे जुआ होता है। इस क्रिकेट की गैम्बलिंग को समझने के लिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सट्टेबाजी और गैम्बलिंग होती है वो फुटबॉल में होती है। ओह, फुटबॉल में। और दुनिया का सबसे बदनाम मुल्क इस सिलसिले में ब्राज़ील है, ब्राज़ील की फुटबॉल। और आपको याद होगा कि साउथ अमेरिका के अंदर कोलंबिया के खिलाड़ी मशहूर 84 के वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में मेरे ख्याल में था, वहाँ से वो वापस जब आए तो चूँकि उनके पैर से अपना ही गोल हो गया था, तो सट्टेबाजों ने उनको गोली मार दी अपने मुल्क में उतरती है कोलंबिया में। तो ये भी चीज़ें होती हैं। क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, क्रिकेट जैसे मैंने कहा कि 16th century से इसमें गैम्बलिंग होती है, लेकिन चूँकि सेटेलाइट टेलीविज़न नहीं था और मीडिया इतना तगड़ा नहीं था, सोशल मीडिया या रेडियो पे इतनी कमेंट्री वगैरह नहीं होती थी, तो लोगों को पता भी नहीं पड़ता था। जब से सेटेलाइट टेलीविज़न आया है और दुनिया पे बीम होने लगी है, मैचेस बीम होने लगे हर तरह के, टेस्ट क्रिकेट के अलावा ODI, और फिर जब ये नया जो T20 है, तो इसमें और भी सट्टेबाजी और गैम्बलिंग का अंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्रिकेट की गैम्बलिंग जो असल में है, इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गैम्बलिंग एक तरह की नहीं होती है। एक तो होती है मैच फिक्सिंग। ठीक, बिल्कुल। मैच फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप मैच के रिजल्ट पे सट्टेबाजी या जुआ खेलते हैं। ठीक। यानी कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मुमकिन उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि एक टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी इन्वॉल्व ना हो। आधे से ज्यादा? जी हाँ। एक दो से काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं, या फिर दोनों टीमें इन्वॉल्व हो। ओके। इसलिए टेस्ट मैच में मैच फिक्सिंग बहुत कम होती है, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड है, और दूसरे ये कि कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, 5 दिन का खेल हो रहा है। सही सही। लिमिटेड ओवर के गेम में ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। मैच के रिजल्ट के अलावा कि लेकिन टीमों के खास खास खिलाड़ी इन्वॉल्व होना जरूरी है, वरना मैच फिक्सिंग नहीं होती। असल चीज होती है स्पॉट फिक्सिंग, जो प्रॉपर टाइप की पैसे हारने जीतने वाली गैम्बलिंग क्रिकेट में होती है, स्पॉट फिक्सिंग। जैसे उसमें एक होती है प्रॉपर गैम्बलिंग, जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट पे गैम्बलिंग हो गई। सही। कि नतीजा क्या होगा। एक होती है स्पॉट फिक्सिंग, उसमें ये कि कमर साहब कल विकेट लेंगे कि नहीं लेंगे, कमर साहब को सट्टेबाज ने पैसे खिला दिए कि सर आप बहुत बड़े दुनिया के बॉलर हैं, कल सर वो 5वें आपका जो वनडे मैच है आप उसमें 50 ओवर के गेम में 10 ओवर फेंकेंगे, तो सर 7वें ओवर में ना आप 3 वाइड बॉल फेंक देना, हमारे लंबे पैसे बन जाएंगे। जैसे हमारे जो लोग जुआ खेल रहे हैं वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं कमर साहब तो वाइड बॉल या नो बॉल तो करते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, कमर साहब अगर नंबर 1 बॉलर हैं तो कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं स्पॉट फिक्सिंग। ठीक है। या आप निगाह को कल मैच में खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे या ड्रॉप कर देंगे, इस पे गैम्बलिंग होती है, स्पॉट फिक्सिंग है। सही। तो स्पॉट फिक्सिंग में सबसे बड़ा जो हादसा क्रिकेट में हुआ वो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था, वो 2010 वाला, 2010 के टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में, जिसमें मोहम्मद आमिर बड़िंग प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर
लेफ्ट आर्म, उनका कप्तान सलमान बट, और अच्छा एक बॉलर पाकिस्तान का मीडियम पेस बॉलर मोहम्मद आसिफ इन्वॉल्व थे, और वो एक स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़ लिए गए। और जब पकड़ लिए गए तो बड़ी बड़ी हेडलाइनों में, बरतानिया के अखबारों में खबर, और पहले तो ये तीनों डिक्लाइन करते रहे कि ये इन्वॉल्व नहीं है। आईसीसी जब इन्वॉल्व हो गई तो उनको भी ये चकमे देते रहे कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने ये नहीं किया। जब उनको बरतानिया के कोर्ट में बुला लिया गया, ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद आमिर ने ये उसको, उसके वकीलों ने उसको समझाया कि अगर आप ये मान लें कि आपने ये हरकत की है कि सट्टेबाजों से पहले पैसे लेकर नोबॉल की है लॉर्ड्स के टेस्ट में, तो आपको सज़ा कम मिलेगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो सज़ा आपको लंबी मिलेगी। तो वो यंग बॉय था, वो अपने कप्तान के नेट में आ गया था, जो कि बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व था सलमान बट और मोहम्मद आसिफ। ये यंग बॉय था, मैं इसको ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकता, इसको बिल्कुल शैंटी बैकग्राउंड से आया था वो, और गरीब घराने से, सही, बिल्कुल सही। तो पैसे की लालच में आकर उसने ये हरकत कर दी, और उसमें जिन लोगों ने इसको फंसाया इस स्पॉट फिक्सिंग में, वो दो भाई थे, मजहर मजीद और अजहर मजीद, लंदन में रहने वाले, और कहते थे कि हम प्लेयर्स के एजेंट हैं। असल में वो प्लेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे सट्टेबाजों के, अच्छा, जो कि खिलाड़ियों को समेटते थे और फिर उनसे कि जी आज ये मैच में बारिश होगी कि नहीं, ये आपके ख्याल से पिच कैसे खेलेगी, ये टॉस कैसे, कौन जीतेगा, ये सब स्पॉट फिक्सिंग होती है। सही। तो वो दोनों, वो एक बरतानिया के अखबार का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था, उसने ये कह के कि मैं एक सट्टेबाज हूँ और मैं आपको बहुत लंबे पैसे दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उनको बुला करके उसने स्टिंग ऑपरेशन करके और रिकॉर्डिंग कर ली, और ये पकड़ लिए गए। पाकिस्तान टीम के मैनेजर यावर सईद साहब को मैं 3 हफ्ते से कह रहा था इंग्लैंड में कि आप इन दो आदमियों पर नज़र रखें, ये मजहर मजीद अजहर मजीद पे, जो स्पोर्ट्स कार में आते हैं खिलाड़ियों को और इनको खाने पर ले जाते हैं, ये प्लेयर्स के एजेंट नहीं हैं, ये सट्टेबाजों के एजेंट हैं। अच्छा, आपने पहले मैंने 3 हफ्ते पहले वार्न किया था, एंड दे डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ माई स्टेटमेंट, बिकॉज मैं दुनिया के सारे सट्टेबाजों को जानता था एज ए रिपोर्टर। अच्छा। और सारे सट्टेबाज दुनिया के मुझे जानते थे, जैसे मैं ओपनली कहता हूँ लोगों को, इससे कि मैं अगर पर्थ में हूँ, सिडनी में हूँ, दिल्ली में हूँ, बम्बई में हूँ, तो जब वो मुझे BBC पे सुनते थे तो उनको पता होता था कि कमर साहब आज ऑस्ट्रेलिया में फला शहर में, आज फला शहर में। तो ये जो सट्टेबाज होते हैं, अभी ये बताऊँगा कि ये कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ये अपने मुल्क के इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को तनख्वाहें देते हैं, जैसे आपका नंबर मालूम करने के लिए, इनका नंबर मालूम करने के लिए। अच्छा, ये मुझे पता पड़ा इन दैट मेरी रिपोर्टिंग के सिलसिले में, जब मुझे उन्होंने पहली दफ़ा पकड़ा सट्टेबाजों ने। अच्छा। कि साहब मुझे जान बचा लें, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मैंने आपके फलां खिलाड़ी को इतने पैसे दिए हुए हैं, और ये कह रहा है कि कल टॉस जीतेगा, सर ये कैसे कल टॉस जीतेगा मुझे बताएं, कल टॉस जीतेगा। ठीक है। अब बात दरअसल ये है कि ये खिलाड़ी इस नरगे में, इस नेट में क्यों आ जाते हैं? सही, बिल्कुल। वो इसलिए आ जाते हैं कि इजी मनी, बगैर टैक्स के पैसे, बैग में भरे हुए डॉलर्स एंड पाउंड्स, ठीक है ना, कि आप बता दें कि ये पिच कैसे खेल रही है, या हमारे कल वसीम अकरम या वकार यूनुस कल मैच में नहीं खेलेंगे, इंजर्ड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सट्टेबाजों को दे दें तो वो उस पर पैसे कमा लेते हैं। वो लोग जुआ खेलने वाले जुआ खेलते हैं, सट्टेबाज होते हैं। और एक होती है, जैसे मैंने बताया कि मैच के रिजल्ट पे बिल्कुल गैम्बलिंग होती है, एक होती है स्प्रेड बेटिंग। स्प्रेड बेटिंग, ठीक, ये क्या है? वो असल गैम्बलिंग वो है। क्या है ये? वो गैम्बलिंग ये है कि अगर आपने ये रिजल्ट पे पैसे लगा दिए हैं कि वो जीतेगा वो हारेगा, तो पता है कि आप हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। सही। स्प्रेड बेटिंग में ये होता है कि आप अंदाज़ा लगाते हैं
कि फर्ज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग का टोटल 400 होगा या 300 होगा, सही, ठीक है ना। तो आप जब ने स्प्रेड बेटिंग में पैसे लगाया तो उस बेट के दौरान जिस वक्त मैच चल रहा है उस वक्त आप अपनी बेट चेंज भी कर सकते हैं। okay. अपने अगर हार रहे हैं आप तो पैसे बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं अब मेरा एक हिस्सा जो मैंने बेट का पैसा लगाया है वो हार पे लगा दो। अच्छा, तो आपको नुकसान कम होगा। ये स्प्रेड बेटिंग होती है, स्पेकुलेशन। ओके ओके, अंदाजा। अच्छा अच्छा जी, सुन लीजिए मुझे पहले। आप अब आप पूछेंगे कि ये सट्टेबाज जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? जी बिल्कुल। और क्यों होते हैं? बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और अब साउथ अफ्रीका में, इन जगहों पर ये लीगल है। ओके। लॉर्ड्स के मैदान में सट्टेबाज जिसे कहते हैं बुकीज, बुक मेकर्स, उनके टेंट लगे होते हैं, उनका ऑफिस है, वहाँ पर जाकर हर खिलाड़ी का रेट बाहर लिखा हुआ है बोर्ड पे कि आज सलीम मलिक 50 नहीं बनाएगा, ये रेट है, एक पाउंड लगाए तो 5 पाउंड okay. अगर वो 50 नहीं बनाता तो कमर साहब आज विकेट नहीं लेंगे, उस पर रेट लगा हुआ है 10-1 कि एक लगाए तो 10 पाउंड। ये ऑफिशियल है। okay. इंडिया पाकिस्तान के लोग इस नेट में क्यों आ जाते हैं? वो इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ पर इलीगल है। सही। इंडिया में गैम्बलिंग घोड़े की रेस पर है। सही। पार्लियामेंट में हमेशा कोशिश होती रही है कि क्रिकेट की गैम्बलिंग को भी लीगल कर दिया जाए ताकि ये खिलाड़ी इस नेट में ना आए और ये सट्टेबाज इनको ना फंसे कि साहब आप इतने पैसे ले लें प्लीज़ और यू नो हमारा काम कर दें, अगर आप 49 पे हैं तो 50 ना बनाए आउट हो जाए, अगर आप 99 पे है तो आउट हो जाए, 100 ना बनाए हमारे पैसे बन जाएंगे। अच्छा, ये इलीगल काम होता है जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी बैन हो गए, इंक्लूडिंग वन ऑफ द कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन सलीम मलिक, ठीक है ना जी, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जो लोग जेल में चले गए इस चक्कर में, ये इंडिया पाकिस्तान में चूँकि यहाँ पर हमारा इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर ये सब चीज़ें मना है गैम्बलिंग वगैरह, तो यहाँ भी सट्टेबाजी का जोर यहाँ भी है, बम्बई में है, सबसे सेंटर इसका बम्बई है। अच्छा। हाँ, और यूएई है, बम्बई और यूएई। हाँ, इस वक्त 5 खिलाड़ी यूएई के लाइफ बैन और 5 ईयर 8 ईयर बैन पे है, वो लोकल लीग में सट्टेबाजी पे। अच्छा, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान बट उस स्पॉट फिक्सिंग में, सही, मोहम्मद आमिर तो पहले एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी वो हम लोग इन्वॉल्व थे, मुझे पता नहीं था। सही। और आखिर में मरता क्या नहीं करता तो पाकिस्तान के कैप्टन सलमान बट ने आखिर तक एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको लंबी सजाएं हो गई, इसको 1 साल हो गए जुबेनाइल कोर्ट में मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड के अंदर, तो उसको उससे ज़्यादा हो गए मोहम्मद आसिफ को जेल में बंद हो गए वो, और सलमान बट भी जेल में बंद हो गए, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स रिकॉर्ड उनका हो गया, ठीक है ना। जहाँ तक सलीम मलिक का ताल्लुक है, मैंने जैसे कहा कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, इस जैसे खिलाड़ी को जो कि एसेक्स काउंटी क्रिकेट खेल रहा हो और इतना बड़ा दुनिया में नाम हो, वो इस नेट पे फंस गया सट्टेबाजों के इंडिया के, और जैसे मैंने बताया पाकिस्तानियों के, यूएई के, और बड़े बड़े और भी नाम लिए जाते हैं, वसीम के, वकार के, इंजमामुल हक के, मुश्ताक अहमद के, सब लोगों के नाम जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया, आपके एक प्रोग्राम में मैंने बताया था जस्टिस कयूम के बारे में, लेकिन सलीम मलिक को बैन कर दिया गया फॉर लाइफ, और उनके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ थे, लेकिन ये ईयर 2000 में, ठीक, लेकिन उनका बैन किसी जज ने ख़त्म कर दिया 2008 में, लेकिन उस वक्त तो उनका कैरियर ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में अताउर रहमान जो फास्ट बॉलर था जी, वो वसीम अकरम के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहा था कि ये इन्वॉल्व है, ये पैसे देते हैं, सट्टेबाज के पैसे मैं इकट्ठा करता हूँ,
जब वक्त आया फाइनल स्टेटमेंट देने का जस्टिस कयूम के सामने, तो वो मुकर गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ में परजुरी। तो उसमें उसको लाइफ बैन कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन सलीम मलिक, सबसे ज़्यादा अफसोस यूँ हुआ कि सलीम मलिक इतना बड़ा बन दुनिया का बैट्समैन और वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था, और ये सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई हैं, और वो मेरी आंखों के सामने भी सलीम मलिक ने दो दफ़े हेड और टेल नहीं कहा टॉस करते हुए, जिससे कि सट्टेबाज ने मुझे बता दिया था कि साहब ये इन्होंने पैसे लिए हुए हैं टॉस जीतने के, कल सलीम मलिक ने, जी हाँ कल टॉस जीतेगा। मैं टॉस कैसे जीत सकता है बंदा, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि वो मुझसे लोग यही सवाल करते हैं कि साहब ये टॉस कैसे जीत जाएंगे। तो मुझे इस सिलसिले में काफ़ी नॉलेज है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ये, तो मुझे बड़ा तजुब हुआ। पहली दफ़ा मैंने ऑकलैंड में देखा, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ केन रदरफोर्ड कैप्टन था, सलीम मलिक पाकिस्तान के कैप्टन थे, तो मुझे ये नॉलेज थी कि ये हिसाब किताब टॉस का होने वाला है। अच्छा, और मेरे सामने हो गया ये, तो हमारे कप्तान ने हेड और टेल नहीं कहा टॉस के वक्त, और लपक के कॉइन उठा लिया और कहा मैं टॉस जीत गया हूँ। कैसे, अब इतने क्राउड के सामने आप दोबारा टॉस तो नहीं करेंगे ना, बेइज्जती है। सही। तो हैरान परेशान हो गया न्यूजीलैंड के कैप्टन कि ये हमारे पाकिस्तान के कप्तान ने ये क्या किया। उस वक्त वो रेफरी भी केमी स्मिथ था, वेस्ट इंडीज़ का बहुत शरीफ आदमी था, वो खुद स्टैंड हो गया, परेशान हो गया कि ये क्या हुआ मेरे सामने, और जो कुछ भी करना था वो हो गया वहाँ पे। लेकिन कुछ 8-10 महीने के बाद न्यूजीलैंड काउंसिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बता दिया सलीम मलिक के इस हरकत को। तो हरारी के टेस्ट में, जो पहली दफ़ा अपनी हिस्ट्री में जिम्बाब्वे टेस्ट मैच जीता एक इनिंग से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भी 1994 में, सलीम मलिक कैप्टन थे, और जो रेफरी अब आया वो जमैका से वेस्ट इंडीज़ का फॉर्मर कैप्टन था जैकी हेंड्रिक्स, उसको ICC ने ब्रीफ किया हुआ था कि पाकिस्तान के कैप्टन हेड और टेल नहीं कह रहा है, ये कुछ फिशी मामला है। ओके। और मैं कमेंटेटर था टेलीविज़न का, मेरी नॉलेज में भी ये था। तो जब टॉस हुआ एंडी फ्लावर के साथ, जिम्बाब्वे के कैप्टन के साथ, तो सलीम मलिक ने फिर हेड और टेल नहीं कहा। अच्छा। और उन्होंने कहा, जैसे टॉस उसने किया, इन्होंने कहा बर्ड बर्ड, और लपक के कॉइन उठाया और कहा कि मैं जीत गया हूँ। तो वो सन्नाटे में आ गया बिल्कुल, जिम्बाब्वे का कैप्टन एंडी फ्लावर जो हो रहा था, उसने कहा आपने हेड और टेल नहीं कहा, उसने कहा नहीं माय इंग्लिश बैड, और मेरे मुंह से बर्ड निकल गया। तो उसने कहा क्या करना चाहते हैं आप, उसने हमारे कप्तान पाकिस्तान के, उसने कहा मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, उसने कहा ओके। तो जो रेफरी था उसने फ़ौरन रोक लिया पाकिस्तान के कैप्टन को मेरे सामने, उसने कहा आप बैटिंग नहीं करेंगे, आपने टॉस नहीं जीता है। ये मैंने लिखा हुआ है क्रिकेट के बाइबल विजडन में। अच्छा, आंखों देखा हाल। तो उसने कहा मैं तो टॉस जीत गया हूँ सलीम मलिक ने, उसने कहा नहीं आप टॉस नहीं जीते, आपने क्या कहा, आपने हेड और टेल कहा या नहीं कहा। तो नहीं मेरे मुंह से बर्ड निकल गया, उसने बर्ड क्यों निकला भाई। तो कहले जिस तरह पाकिस्तान का ये लोगो स्टार है, तो जिम्बाब्वे का बर्ड है, आपने देखा होगा, चील है और कॉइन पे भी है, तो इसलिए मेरे मुंह से बर्ड निकल गया। उसने कहा आप बैटिंग नहीं करेंगे, सॉरी अब दोबारा टॉस होगा टेस्ट मैच में। तो मेरे आंखों के सामने दोबारा टेस्ट मैच हुआ टॉस, और पाकिस्तान का कैप्टन हार गया। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब है, जो पीछे पैसे लगाए हुए थे वो भी हार गए। वो एंडी फ्लावर जीत गया, और उन दोनों भाइयों ने, ग्रांट और एंडी फ्लावर ने, वो मैं तो हंस हंस के पागल हो गया था। उन दोनों ने सेंचुरी मार दी, 268 रन की पार्टनरशिप कर दी, पाकिस्तान इनिंग डिफीट से हार गया। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे कंटिन्यू करने दें कि जिस दिन ये हुआ, तो शेन वॉन और मार्क वॉ ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बयान दे दिया कि ये सलीम मलिक साहब पाकिस्तान के कैप्टन ने, जब हम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे थे पाकिस्तान का, तो कराची के टेस्ट में इन्होंने हमें $200,000 ऑफर किया कि आप पोअरली खेले इस मैच में ताकि पाकिस्तान जीत जाए, तो हमने इनकी बात नहीं सुनी। तो एक दुनिया में हंगामा हो गया कि शेन वॉन और मार्क वॉ
लेकिन किसी को दुनिया में उस वक्त नॉलेज नहीं थी। मुझे नॉलेज ज़रूर थी कि शेन वॉन और मार्क वॉ को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी सट्टेबाजी पे फाइन किया हुआ है। अच्छा, वो सट्टेबाजी कैसी कैसी के उन्होंने कि कौन इंजर्ड है हमारे खिलाड़ी, कौन कल नहीं खेलेगा, पिच कैसी खेल रही है, ये सट्टेबाजों को बताया। तो सट्टेबाजों ने उन दोनों को $5,000 कैश दे दिए। ये जब मालूम हो गया लोगों को, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों को $5,000 फाइन कर दिए। अच्छा, ये लोगों को पाकिस्तान में या दुनिया में पता नहीं था। अच्छा, ये मुझे पता था। और मैं बार बार ICC में ऑस्ट्रेलियन जो था चीफ एग्जीक्यूटिव उसको कहता था कि आप सलीम मलिक के क्यों पीछे पड़े हुए हैं, आप ज़रा खुल के बात करें ना। तो वो चूँकि ऑस्ट्रेलियन था चीफ एग्जीक्यूटिव ICC का, तो वो खुल के बात करता नहीं था, वो छुपा रहा था शेन वॉन मार्क वॉ के क्राइम को। अच्छा, तो देखे ना, ये बात दरअसल ये कि ये जैसे पाकिस्तान के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद में शर्जील खान, बिल्कुल ऐसा ही है, खालिद लतीफ, ठीक है ना, और सबसे बड़ा केस सलीम मलिक के बाद दानिश कनेरिया। जी बिल्कुल, दानिश कनेरिया की आपने बात करी, फिर उसके अलावा और भी बहुत हैं। चलें पहले दानिश कनेरिया पे ही आ जाते हैं। यहाँ पहले जो एक प्रोमिनेंट था 2010 वाला, सलमान बट, आमिर और आसिफ वाला, आसिफ और आमिर को तो हम कह सकते हैं चलें वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो उस टाइम पे सिर्फ उनकी क्रिकेट ही है उनके नॉलेज में, ठीक है। और बाकी सलमान बट तो ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन है और बिकेन हाउस से पढ़ा हुआ है और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी उसके पास। सो वो इन सब चीज़ों में कैसा आ गया सलमान बट? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो आप जुआनी खेलेंगे या आपके जुए में इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। राइट, मैंने तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं जुआरियों को कैसीनोज के अंदर यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया में लास वेगास में, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, मेरा इसका पूछने का मतलब पैसे की लालच जो होती है जी, एक नेशनैलिटी भी तो होती है, नेशनल वैल्यू, आप अपने मुल्क का नाम बेच। काश के ऐसा होता तो कभी इस चक्कर में ये लोग पढ़ते भी नहीं। अगर अगर ये नेशनल प्राइड जिसे कहते हैं अगर होता इन लोगों में, तो इन धंधों में, ये काले धंधों में नहीं पढ़ते। अनफॉर्चुनेटली पैसे की ये चमक और दमक कैसी होती है, मुफ्त में टैक्स फ्री पैसे अगर मिल रहे हों तो अच्छे अच्छे जो है वो घुटने टेक देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ज़र्फ वाले जो इन सब चीज़ों में। अच्छा, ये 2010 वाला जो पूरा इंसिडेंट था, आप किसको सबसे ज़्यादा और कौन मेन था इनमें जो कि इस स्पोर्ट फिक्सिंग में? तीनों थे, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, ये तीनों ये सब माल बना रहे थे। अच्छा, ओ यस, उनको एक संडे टाइम्स के रिपोर्टर ने जो कि पाकिस्तानी नजाद था, अच्छा हाँ, उसने इनको एक स्टिंग ऑपरेशन करके ये कह के कि मैं सट्टेबाजू, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और उसे सब रिकॉर्डिंग कर ली इन लोगों की। अच्छा, और अखबार में हेडलाइन में उस खबर के आने से दो रात पहले मुझे एक मुखालिफ अखबार के रिपोर्टर ने रिंग किया कि हम आपको बहुत लंबे पैसे देंगे, ये खबर आ रही है लॉर्ड्स के टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग की, तो हम उसका मुकाबला करने के लिए अपनी रिपोर्ट छापना चाहते हैं, आपकी नॉलेज बहुत तगड़ी है इस सिलसिले में, तो आप हमें 800 वर्ड का आर्टिकल लिख दें पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सट्टेबाजी पे। तो अब आप, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा तुम मुझे $50,000 भी दोगे तो मैं पाकिस्तान के लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान की, लिख करके। अच्छा, आई रिफ्यूज द मनी, I did not write. मतलब कि एक जगह आप थे और एक जगह हमारे क्रिकेटर्स थे। जी, जिन्होंने ये मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी फार मोर देन अ गेम में सब लिखा हुआ है। अच्छा, और उसके साथ साथ फिर एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं सरफराज नवाज साहब। जी जी जी, वो बहुत पेशेंट गोइयां करते रहे हैं इस मामले में, इवन दो सलीम मलिक के खिलाफ और फिर वहाँ पे इंडिया के सुनील गवास्कर के खिलाफ, उन्होंने तो कहा जी पूरे पूरे मैच फिक्स कर दिए हैं, और फिर हमारे एक कैप्टन आसिफ इकबाल साहब थे उनके खिलाफ, तो वो क्या थोड़ी सी बस ऐसे ही सिर्फ उनकी पैशन गोइयां थी या उसमें कोई एविडेंस भी था? बात दरअसल ये कि
जब तक लॉ में ये कहा जाता है कि यू रिमेन इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक उस वक्त तक मासूम हैं अगर आप इल्ज़ाम लगा हुआ है, जब तक कि आप इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। सही। देखिए आसिफ इकबाल का आपने जिक्र किया, तो उस टेस्ट में मैं था, उस सीरीज़ में इंडिया में, और उन पर इल्ज़ाम था कि ये टॉस फिडल किया इन्होंने कलकत्ता के टेस्ट में, कंदापा विश्वनाथ और ये वो, उसका बहुत चर्चा हुआ और उसका कोई कभी सबूत नहीं मिला। सही। जब सबूत नहीं मिलेगा तो आप फिर बिल्कुल इनोसेंट हैं। आप आपने सरफराज नवाज की बात की, तो सरफराज नवाज वाज ए ग्रेट फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, अमेजिंग, जिसने रिवर्स स्विंग को लाइमलाइट में लाया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, इमरान खान वगैरह सबको बताया इसके बारे में कि ये रिवर्स स्विंग क्या होती है, किस तरह बॉल टेम्परिंग होती है, क्या होता है जिसको लोग बॉल टेम्परिंग कहते हैं, सही, किस तरह सिलाई उधरते हैं बॉल पे से बॉल को स्विंग करने के लिए, किस तरह खुरदरा रखते हैं, किस तरह सॉफ्ट रखते हैं एक तरफ से। बात यह है कि कभी अफवाहों पर ना जाएं। अच्छा, मैं एज ए जर्नलिस्ट कभी उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करूँगा या बोलूँगा नहीं जिसकी सदाकत ना हो और जिसका कोई प्रूफ ना हो। हवाई फायर करने से कुछ नहीं होता। सही। तो ये फला आदमी ने इतने पैसे हार गया, फला इतने पैसे जीत गया। हमेशा याद रखें कि सट्टेबाजी का इल्ज़ाम लगाने वाले, सट्टेबाजी इज ए फैक्ट जी, ऐसे ही गैम्बलिंग और इलीगल गैम्बलिंग, ज़्यादातर अफवाहें उड़ाने वाले और खिलाड़ियों पे इल्ज़ाम लगाने वाले वो लोग होते हैं जो लोग लाखों करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। अच्छा। और जब वो हार जाते हैं तो कहते हैं जी वसीम अकरम ने पैसे ले लिए हार गए, वो फलाने पैसे ले लिए जी हार गए, उन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, जुआरी। तो जिसमें इसलिए अफवाहों पे न जाए। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है, जो किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहा है तो इसका मतलब है उसको कोई लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा। और बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, हाँ, जुआ खेलने वाले। सही। कि यार कमर भाई वो फलाने खिलाड़ी ने मुझे मरवा दिया, यार वो देखे ना वो मेरा काम नहीं किया। मैंने कहा कि आप पैसे कितने हारे हैं पहले ये बताया, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हो सकता है वो खिलाड़ी इनोसेंट हो, आप चूंकि आप पैसे लगा के हार गए, आप खिलाड़ियों को मोरी दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। सही। तो इसमें ज़्यादा अंसर इन लोगों का भी है, अफवाह फैलाने वाले। ओके 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 ओके। इसके बाद फिर एक केस जो कि हमारे पास बहुत बड़ा इस वजह से भी बना क्योंकि वो जिस रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते थे वो सामने, आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में सारे नॉन मुस्लिम हैं, तो वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, दानिश कनेरिया साहब की हम बात जी कर रहे हैं। जी। तो वो, और फिर क्या कहते हैं, एक जगह पे आके दोबारा सरफराज नवाज साहब ने यही कहा था कि इनको लाइफ बैन नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती तो इन्होंने कोई नहीं की है। तो दानिश कनेरिया का आप बताएंगे क्या सिनेरियो क्या? दानिश कनेरिया वेरी फाइन बॉलर, राइट आर्म लेग स्पिनर, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का प्लेयर, पाकिस्तान से दो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, उसमें एक अनिल दलपत, एक दानिश कनेरिया, और मैचेस भी जितवाए, एसेक्स काउंटी से ये खेलते थे। तो वो लोगों को कानों कान इधर उधर से अफवाहें जब फैलती हैं तो खबर हो गई कि ये सट्टेबाजों से इन्वॉल्व हो गए, और जिसके वजह से इन पर इंक्वायरी शुरू हुई, और जब इन पर इंक्वायरी शुरू हुई तो इनको वो एसेक्स काउंटी में जो प्लेयर था वेस्ट इंडियन नज़ाद, मरविन वेस्टफील्ड नाम था उसका, ठीक, तो उससे और इससे इनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया क्रिकेट से, ठीक है ना? ठीक। तो इन्होंने अपील अपील की, ये की और की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको लाइफ बैन कर दिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। अच्छा। अब ये लाख ये दुनिया को कहते रहे कि नहीं मैं तो इन्वॉल्व नहीं था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अगर आपको याद होगा कि अभी एक डेढ़ साल पहले या 10 महीने पहले दानिश कनेरिया ने खुद ही कह दिया कि जी हाँ मैं इन्वॉल्व था। ऐसा है। तो आप किसको भरोसा करेंगे? जैसे स्पॉट फिक्सिंग केस में 2010 में आखिर में सलमान बट तक ने कह दिया, जो सरगना था, कि जी जी हम लोग इन्वॉल्व थे। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ फिर
हम अपनी PSL की बात कर लेते हैं, T20 क्रिकेट की बात कर लेते हैं, चाहे कोई भी लीग हो, चाहे वो PSL हो, IPL हो, या किसी भी मुल्क की लीग हो, अब तो T10 भी आ गई है। तो इन गेम्स में एज कम्पेयर टू ODI और टेस्ट मैच ज़्यादा गैम्बलिंग होती है। पॉपुलरिटी क्यों है T20? शॉर्ट फॉर्मेट है, छक्के चौके लगते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें जुए का इंग्रेडिएंट जो है, जुए का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है जुआ खेलने का। कैसे इसकी पॉपुलरिटी है? कैसे आप देखें, जैसे IPL है, IPL में इतना क्राउड आ रहा है, वो बाहर तो लोग जुआ खेल ही रहे हैं कि इस बॉल पे एक रन बनेगा, इस बॉल पे दो रन, स्पॉट फिक्सिंग, ठीक, इस बॉल पे छक्का मारेगा, तो लोग लाखों का जुआ खेल रहे होते हैं मैच में बैठे हुए, ठीक है ना। तो अगर आप ये कहेंगे ये PSL में ऐसा नहीं होता, तो मैं मानने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। ये इस किस्म की फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी जुए की वजह से है कि मैं आपसे जुआ लगा रहा हूँ, वो आप उनसे जुआ लगा रहे हैं कि जी यार इस बॉल पे चौका पड़ेगा, उसने कहा नहीं जी नहीं, नहीं दो रन बनेंगे या एक रन भी नहीं बनेगा, ये 2,00,000 रुपये। ये इस तरह की स्पॉट फिक्सिंग की वजह से पॉपुलैरिटी है शॉर्ट फॉर्मेट के, और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जुआ खेलने के, हारने जीतने के। इवेंचुअली जो गैम्बलर जो होते हैं वो मोस्टली हारते हैं, और जब हारते हैं तो वो खिलाड़ियों को कहते हैं कि ये मरवा दिया, फला ने ये कर दिया, जब जीतते हैं तो आपको नहीं बताएंगे कितने पैसे जीत गए। ओके, तो इसका मतलब है कभी हम किसी का कोई स्कैंडल देखें जो कि थोड़ा सा नेगेटिव उसमें आ रहा हो, उसने नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब है पीछे गैम्बलर जो है वो कुछ हारा है, कुछ बहुत बड़ा अमाउंट हारा है, तभी उनको बदनाम करना। गैम्बलिंग का मतलब क्या है? गैम्बलिंग तो यही है ना कि आप जुआ खेल रहे हैं। आपने भी चंद महीने पहले इमरान खान को देखा होगा, TV पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा है, वो रिकॉर्ड पे है, कि वो कहने लगे कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ जमामा का जो भाई है जैक, सही, वो बहुत बुरी तरह पैसे हार गया सट्टेबाजी में, जुए में, तो उसने मुझे कहा कि आई नीड योर हेल्प। जी इमरान खान खुद TV पे आके कह रहे हैं। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को, साले को कहा कि एक शर्त पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि मुझे शौकत खाने में काफ़ी मुझे लॉस हो गया है, उसको अगर तुम जीतो तो उसको कंपनसेट कर दो और बाकी तुम। तो कह लगे जब मैं बैठ के उसकी हेल्प करने लगा तो जो इलीगल सट्टेबाज जो होते हैं स्प्रेड बैटिंग वाले, सही, तो वो जुआ खेल रहा था मेरा ब्रदर लॉ, और इतने पैसे जीत गया कि मेरे हॉस्पिटल का भी कंपनसेशन हो गया और वो भी पैसे जीत गया और ये वो। तो उसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट उसी ब्रेथ में ये था कि स्प्रेड बैटिंग जुआ नहीं होती। भाई आप किसको कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ी आजकल गैम्बलिंग स्पोर्ट्स पे और क्रिकेट वगैरह पे स्प्रेड बेटिंग है, और जब आप ये कह रहे हैं कि मेरा ब्रदर इन लॉ गैम्बलिंग कर रहा था, तो आपका गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? गैम्बलिंग का मतलब सट्टेबाजी, बस जुआ। हाँ, जुआ होता है ना। तो फिर आप यूं दुनिया को क्यों कह रहे हैं स्प्रेड बेटिंग गैम्बलिंग नहीं होती, और आप कह रहे हैं जीत भी गए? अच्छा, ये चीजें भी हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अच्छा जहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं फिक्सिंग और गैम्बलिंग, और ये हर चीज़ से रिलेट होती है, तो क्या ये इस चीज़ से भी रिलेट होती है कि कोई जैसे कि टीम है, किसी टीम की, पाकिस्तान टीम में आपको पता है हमेशा से ये रहता है कि ग्रुपिंग वाला मामला रहता है, वो कप्तान के खिलाफ दो बंदे कुछ बात कर रहे हैं, चार बंदे कुछ बात कर रहे हैं, दो ग्रुप हो गए, कप्तान का ग्रुप अलग है और एक जो प्रोमिनेंट बंदा है जो कप्तान से थोड़ा सा ज़्यादा सीनियर लेकिन कप्तान नहीं है, तो वो, और ये चीज़ें हमें देखने को मिली 2007 में 2009 में जब यूनुस खान साहब कप्तान थे और शाहिद अफरीदी साहब उनकी बैक पे थे, तो वो मेरे ख्याल से मामला तो इस हद तक चले गए कि कुरान शरीफ पे हाथ रखने तक की बात आ गई। तो ये चीज़ें भी गैम्बलिंग में आती हैं, और इनमें ये हमारे प्लेयर इन्वॉल्व रहते हैं, जिस तरीके से हमने उस टाइम का एक जो प्रोमिनेंट थे शाहिद अफरीदी साहब, यूनुस खान, ये सारे ड्रामे मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं मैनेजर इंतखाब आलम, अच्छा हरारी में और फला जगह और इस जगह। तो बात जैसे आपको याद होगा, बात निकली है तो, कि 1996 के क्वार्टर फाइनल में इंडिया में वसीम अकरम एज ए कैप्टन नहीं खेला, बिल्कुल ऐसे ही, और लोग उस पर इल्ज़ाम लगाने लगे, जो उसने कहा कि मुझे मेरा मसल पुल है और मैं नहीं खेल सकता, फास्ट बॉलर है वो। अब लोगों को शकूक बात उस पर शुरू हो गए
कि साहब ये सट्टेबाजों से माल लेके बैठ गए। अच्छा, शायद क्वार्टर फाइनल था वो, इम्पोर्टेंट मैच, और सारे लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि साहब वसीम अकरम जो है वो इसलिए नहीं खेले कि वो, अब इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है, कोई प्रूफ तो है नहीं, और अगर यही इल्ज़ाम जो लोग लगा रहे थे वसीम अकरम पे अगर पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों पर कर दिया जाए जो उस मैच में खेल रहे थे, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है जैसे मैं कह रहा हूँ, सही, तो उससे पूछा जाए कि भाई आप ये कह रहे हैं कि वो इंजर्ड नहीं था और बैठ गया और माल ले लिया ये कर दिया, तो आप क्या कर रहे थे कि डंडा मार के आउट हो गए फौरन दूसरे लम्हे में? सही, आमिर सहेल जी जी बिल्कुल, बनकतीश प्रसाद की गेंद पे अच्छा खासा खेल रहा है, डंडा मार के आउट हो गया जी। तो लोग जो शकूक शुभात करते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं वो ये भी तो कह सकते हैं भाई आप क्या कर रहे थे। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें प्रूव होनी चाहिए। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के बारे में मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि आप देखें कि जब ज़्यादा ये वबा फैल गई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, सही, तो उस ज़माने में प्रेसिडेंट थे शायद पाकिस्तान के तारा साहब, सही, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग जज बैठा दिया जस्टिस कयूम कि साहब ज़रा इंक्वायरी करें सलीम मलिक का जो कज़िया चल रहा है दुनिया में इस वक्त सट्टेबाजी का, तो उसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, वसीम, वकार, इंजमा, मुश्ताक, जितने भी आप प्रोमिनेंट खिलाड़ी थे। अब मुझे देख के हैरानगी इस बात की हुई कि एक जज, हाई कोर्ट का जज रिपूटेड, और वह इतने घटिया किस्म की रिपोर्ट दे रहा है जिसका देख के आपको हंसी आ जाए कि एक तरफ तो वो जस्टिस कयूम कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि साहब ये इन पे कोई प्रूफ नहीं है इन खिलाड़ियों पे, तो इनको सज़ा मैं नहीं दे सकता, वसीम, वकार, ये जितने भी थे, मुश्ताक अहमद, और लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि इनको फाइन किया जाए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इनको, क्रिकेट बोर्ड को आप कह रहे हैं क्या इनको 3-3 लाख रुपये फ़ाइन कर दें, और खिलाड़ी ने पे भी कर दिया उस डर से कि कहीं कहीं ऐसा नहीं हुआ मुझे अगले मैच में ना खिलाएं। अच्छा, डर के, ठीक है। मैंने मुश्ताक अहमद से कहा कि मैंने कहा तुमने, उसने अपनी किताब में ये लिखा है, ये मुश्ताक अहमद, मैंने कहा तुमने फाइन जब यू, उसने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ प्रूफ नहीं है, तुमने पैसे क्यों बोर्ड को पे किए? तो कहने लगा मैंने इसलिए कर दिया कि बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे कहा यार तुम लोग पैसे पे कर दो, ये जस्टिस की रिपोर्ट है, तो अब बाद में हम बोर्ड तुम्हें पैसे वापस कर देगा। जस्ट इमेजिन दिस, ये किताब में मुश्ताक अहमद के लिखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड। और फिर वो वही जस्टिस साहब जो है और अपनी रिपोर्ट में क्लेम कर रहे हैं कि आसिफ इकबाल का जो सट्टेबाजी का केस था कलकत्ता के टेस्ट में जिस पे इल्ज़ाम था और यू था, वो भारत के कप्तान विश्वनाथ ने यूँ करके लिख दिया है कि जनाब वो ये इन्वॉल्व थे और यूँ थे। तो जब वो मेरे सामने जस्टिस कयूम साहब पकड़ लिए गए टेलीविज़न शो में, तो मैंने फिर उनकी खरीद भी पूछी। मैंने कहा कि आप एक तो कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी इनोसेंट है, वसीम अकरम और ये सारे जितने, और फिर आप दूसरे ब्रेथ में ये कह रहे हैं कि जी इनको फाइन करें, तो ये आप कैसे कह सकते हैं जब आप कह रहे हैं ये इनोसेंट, इनके कोई प्रूफ ही नहीं है, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि विश्वनाथ इंडिया के कैप्टन ने अपनी किताब में ये लिख दिया है कि आसिफ इकबाल सट्टेबाजी कर रहे थे। मैंने कहा भाई बात सुने जज साहब, ये लाइव शो में, सही, एक टेलीविजन चैनल के, मैंने कहा कि आपको ये किसने कहा है कि विश्वनाथ ने किताब लिखी है, आपने कौन सी किताब पढ़ी है? मैं आपको चैलेंज करता हूं किसी दुनिया के कोर्ट में कि उसने एक किताब नहीं लिखी है, आप झूठ बोलते हैं। तो एकदम से वो नर्वस हो गया जो जज था, अच्छा, टीवी स्क्रीन पे, और उसने कहा मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा लोगों के कहने पे आप जजमेंट देते हैं? फौरन स्क्रीन से उसको ऑफ कर दिया गया। तो ये सब ड्रामे भाई साहब, तो जब तक कि किसी के खिलाफ कोई प्रूफ ना हो तो आप इल्ज़ाम तो लगा दें, लेकिन इल्ज़ाम लगाते वक्त आप ये भी सोचें कि क्या इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है। अच्छा, फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं अपने, वो जो कहते हैं एक सिनेरियो था शायद अफरीदी साहब का, यूनुस खान साहब का, ग्रुपिंग वाला,
क्या ये भी इस चीज में लाइक करता है फिक्सिंग में या देखिए बात जैसे कि हर खिलाड़ी तो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होता ना, सही, वो तो मेजर खिलाड़ियों को सट्टेबाज पकड़ते हैं, सही, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गेम के रिजल्ट को, सही, या जो ये काम कर सकते हैं जो लालची होते हैं। अब जैसे आपको याद होगा कि इतना ग्रेट खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका का हांजी क्रोनी है, बिल्कुल, वो इस चक्कर में फंस गया, इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी चक्कर में फंस गए, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट की सट्टेबाजी की बात हो रही है तो मैं उनके ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, सही, सही, सही। लेकिन बात दरअसल ये है कि लोग जो है पैसे को देखकर वो लालच में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, जाहिर है, तो वो जिसकी सजा पाकिस्तानियों ने भुगती है, सलीम मलिक जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी बैन हो गया, दानिश कनेरिया बैन हो गया, सलमान बट मोहम्मद आमिर का कैरियर एक तरह का ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मोहम्मद आसिफ इतना अच्छा बॉलर उसका कैरियर ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान हैज़ सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्कैंडल्स एंड ऑल्सो रियल सट्टेबाजी जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे जिनको सजाएं मिली है। अच्छा, ये चीज़ें भी पाकिस्तान की टीम में विद द टाइम चलती रहती हैं या ये हमें सिर्फ उसी टाइम देखने को मिली थी ग्रुपिंग और कप्तान? अच्छा, ग्रुपिंग की जो आप बातें कर रहे हैं ना, तो ये दुनिया की हर टीम में ग्रुपिंग होती है। अच्छा, ये पाकिस्तान इसमें कोई अलग वो एंटिटी नहीं है। ठीक, प्रोफेशनलिज्म में, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, लॉ का प्रोफेशन हो, मेरा प्रोफेशन हो, या आपका जर्नलिज्म का प्रोफेशन हो, या फोटोग्राफर्स का प्रोफेशन हो, कैमरामैन का प्रोफेशन हो, इसमें आपस में जेलसी होती है। ओके, यार ये इसकी तो फोटो छप रही है अखबार में, इस फोटोग्राफर की मेरी नहीं छप रही, यार ये कमाल का कैमरामैन है, क्या इसने यार शॉट्स लिए हुए, यार मैं नहीं ले सका, जेलसी शुरू रहती है। इसी तरह खिलाड़ियों में, आपने सेंचुरी मार दी, मैं जीरो पे आउट हो गया तो मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा, सर पकड़े बैठा वो रो रहा हूँ और जेलस हो गया खिलाड़ी से, तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स अराउंड यू, आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, सही सही सही, और फरिश्ते तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ कुछ जगहों पे हमें ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं जो कि बड़ी ऑफवर्ड होती हैं, क्रिकेटिंग पिच और समटाइम्स कुछ हमने देखा है स्टीरियोटाइप्स के बैट भी यूज़ हुए हैं इसके लिए कि कोई स्पेशल बैट ला रहा है बैटिंग करने के लिए, उससे रन कर रहा है, तो इन चीज़ों में कितनी सदाकत है? स्पेशल बैट नहीं ला रहा, बल्कि वो एक तरह का सिग्नल होता है। अच्छा, जैसे 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो बुरी तरह फाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अक्सर जो कहते हैं कि वो पाकिस्तान ने पैसे खा गए थे और बुरी तरह हार गया, और वो शहीद अनवर ने बैट चेंज किया चार ओवर के बाद और सिग्नल आ गया सट्टेबाजी का काम शुरू। ये सब क्या सराइयाँ होती हैं, ये अफवाहें होती हैं, ये हाँ वो ये वो लोग करते हैं जो जीवों पर पैसा लगाए हुए होते हैं। अच्छा, अरे यार मरवा दिया, मैं तो लाखों हार गया। अच्छा, और ये पिच का तो होता है, पिच चेंज हो जाती है या एंड टाइम पिच? तो देखे ना, पिच तो ये प्रेरोगेटिव होता है होम टीम का पिच को बनाना। ठीक, अब वो डिफरेंट ग्राउंड पे एक ही मुल्क में डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होता है पिच का, कोई स्लो पिच होती है, कोई फास्ट पिच होती है, कोई ऐसी पिच होती है जो बिल्कुल ऐसी टफ और टफ होती है कि जिस पे वो बॉल की कोई मूवमेंट नहीं है, स्पिन नहीं हो रही है, तो बॉलर्स क्या करते हैं, उनके जूते के नीचे जो स्पाइक्स होते हैं उससे वो बॉलिंग करते वक्त फॉलो थ्रू में ना पिच को रगड़ना शुरू करते हैं ताकि स्पॉट बन जाए, और उधर से स्पिनर को लगा दे, वो स्पॉट पे गेंद करे तो बॉल टर्न हो। ओके, ये कहते हैं पिच डॉक्टरिंग। पिच डॉक्टरिंग, सही 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 सही। अच्छा, इसी तरीके से कुछ जैसे कि हमारे एक ओपनर थे नासिर जमशेद साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला 2015 का, और वो जिस तरीके से ओपनिंग बैटिंग करते थे आके बड़ी अच्छी करते थे, बड़ा अच्छा दिखते थे, फिर वो भी एक दफा पकड़े गए, और फिर उनकी वाइफ ने भी एक ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा मैसेज छोड़ा, कहा कि ही इज द फाइनेस्ट बैट्समैन और ही वॉज द फाइनेस्ट, बट इसने जो रास्ता चुना वो बहुत गलत था। तो ये मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज द फाइनेस्ट बैट्समैन, ही वॉज क्वाइट ऑर्डिनरी। अच्छा, क्योंकि मैं तो उसको कवर किया हुआ है एज ए रिपोर्टर, और जाहिर है कि पैसे की लालच में लोग आ जाते हैं, उसमें ये भी आ गया था नासिर जमशेद भी, और फिर इसने उल्टे सीधे बयान भी शुरू कर दिए तो बैन भी हो गए, तो
मैं बात कर रहा हूँ उन खिलाड़ियों की जो मैटर करते हैं, सही, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मैच के रिजल्ट को या सीरीज की फेट को कि सीरीज जीतेंगे या हारेंगे, तो वो तो लंबे लंबे माल उनको सट्टेबाज देते हैं और ज़्यादातर जीत सट्टेबाज की होती है, लेकिन जिस खिलाड़ी को वो माल दिया उसने तो पैसे कमा लिए, अपना काम दिखा दिया, लेकिन ये उसी हद तक है जब तक के प्रूफ ना हो, जब प्रूफ हो जाता है तो पकड़ लिए जाते हैं। सही, और इसके साथ साथ आप देखें ना, मार्लिन सैमुअल था वेस्ट इंडीज़ का, बैन हो गया, हांजी क्रोनी है बैन हो गया, बेचारा मर भी गया, इतना बड़ा दुनिया का खिलाड़ी और निहायत ही शरीफ आदमी, अच्छा। पैसे की उसमें आगे लालच में वो फंस गया बेचारा, लाइफ बैन हो गया, यू नो। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, इतना नहीं जितना पाकिस्तान इंडिया के लोग होते हैं या बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी। अब साकिबुल हसन इतना बड़ा ऑलराउंडर बांग्लादेश का, उसको भी एक साल की बैन हो गई थी इसमें। सही, और इसी के साथ साथ हमने देखा है कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी जो कि करंटली अभी डेविड वार्नर हैं, ये भी एक दफा रहे हैं खबरों में इसी वजह से, और खबरें तो वो बॉल टेंपरिंग की वजह से रहे। बॉल टेंपरिंग, अच्छा, बॉल टेंपरिंग भी आती है इसमें? नहीं नहीं, दो दैट थिंग टू डू विद मैच फिक्सिंग और अच्छा स्पॉट फिक्सिंग। अच्छा, बॉल टेंपरिंग इज ए डिफरेंट थिंग, सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक 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 ठीक। और इसके साथ साथ हमारे जो कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर हैं जो कि अभी उनको हमने देखा नहीं है, जैसे कि शायद अफरीदी हैं, एक दफा वो भी सिर्फ बॉल टेंपरिंग की हद तक ही थे। जी हाँ, और वैसे उनका कैरियर नहीं नहीं क्लीन कैरियर है, यूनुस खान क्लीनेस्ट कैरियर। ठीक, तो और भी हमारे खिलाड़ी बहुत सारे, तो ज़्यादातर जो नाम वाले खिलाड़ी हमारे मुल्क के हुए हैं ना, उन पर यह बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं, चंद लोगों पर साबित भी हो गया। अच्छा, ऐसा ही है, साबित ना हो तो वो इनोसेंट है। ठीक, अच्छा, ये 2010 वाले इंसिडेंट में मेरे ख्याल से उमर अकमल और वहाब रियाज का भी थोड़ा सा लिंक था, तो वो क्लियर हो गए थे? जी क्लियर हो गए थे, लेकिन बाद में उनको फिर बैन भी कर दिया गया था, उमर कमरान अकमल को। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है, कमरान अकमल बैन हो गए थे, आपको याद होगा। जी जी जी, और इसी तरीके से हमारे पास जब हमारी IPL आती और PSL आती है तो इसमें वो हमारे कदावर बॉलर मोहम्मद इरफान और नवाज, मेरे ख्याल से ये भी दोनों वो क्या कहते हैं इनके साथ, लतीफ़ के साथ और शहजील के साथ, ये दोनों भी लिंक देख लो। ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम तो लगते हैं ना, जब किसी को सहाफ़ी को मीडिया को या किसी टेलीविजन चैनल को थोड़ी सी भनक लगेगी तो वो तो इधर उधर खबरें फैलेंगी और लोगों पर इल्ज़ाम भी लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अफवाहें सुन रहे हैं उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, अफवाह तो फिर अफवाह ही होती है। अच्छा, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट एज ए कमेंटेटर उस चीज़ में बिलीव करता हूँ जिसको आप प्रूव कर सकें। ठीक, जिसके पास जिसकी आपके पास पूरी कंप्लीट नॉलेज हो। मैं खामखा किसी की पगड़ी नहीं उछाल दूंगा इसलिए कि आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि निगाह ने पैसे खा लिए या कमर साहब ने पैसे खा लिए। सही 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 सही, ये फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ जो चीज़ आ रही है उसमें अफवाहें गॉसिप र्यूमर्स जो होती है उसका एक बहुत बड़ा अंसर होता है कि इन सब स्कैंडल्स के ऊपर। सही 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 सही, देखें ना क्रिस लुइस ऑलराउंडर इंग्लैंड का, जी ऐसा ही, ठीक है ना, उस पर भी बहुत इल्ज़ाम थे, लेकिन स्वेट पे इल्ज़ाम था। क्रिस लुइस तो खैर मुख्तलिफ ड्रग स्कैंडल में जेल में बंद कर दिया गया इंग्लैंड में, यू नो ड्रग में पकड़ा गया था वो। अच्छा, लास्ट में इसके साथ साथ तो इसका मतलब ये है, ये सारी कन्वर्सेशन जो भी हमने की है मैच फिक्सिंग पे स्पॉट फिक्सिंग पे, तो ये कभी बंद नहीं हो सकती? देखिए, जैसे मैंने कहा शुरू में आपके प्रोग्राम के कि ये ह्यूमन नेचर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसानी मखलूक का कि वो हर चीज़ पे जुआ खेलती है। बहुत से लोग नहीं खेलते, बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, बाद लोग जिस तरह सिगरेट के आदि हो जाते हैं और गुटखा पान के उसमें लोग जुआ खेलने के आदि हो जाते हैं। ओके, एडिक्शन है ये, एडिक्शन है, और इसमें फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं, इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अभी जब तक खेल रहेगा, जब तक सबसे ज़्यादा फुटबॉल में मैच फिक्सिंग और ये स्पॉट फिक्सिंग होती है दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि ब्राज़ील सबसे बदनाम है इस सिलसिले में, ठीक है ना, और फुटबॉल में काफ़ी लोग दुनिया में बैन हुए, मार भी दिए गए हैं, तो जब तक कि इस चीज़ को लीगल नहीं किया जाएगा इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि गैम्बलिंग लीगल है, जो कि पाकिस्तान में तो हो नहीं सकती, इंडिया में शायद हो जाए, इसलिए सबसे बड़ा सेंटर वही है। Okay. India is the center of gambling. Gambling. In cricket. ये सब
जितने भी आप देखते हैं लोग पकड़े जाते हैं इंडिया में, जादेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन और फलां और फलां और मनोज प्रभाकर और ये सारे, ये सब इसी पैसे के चक्कर में आकर के और बेचारे ने अपना कैरियर ख़त्म कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि ये गैम्बलिंग के पीछे सम ऐसे फेसेस होते हैं जो कि बड़ा असर वसूब रखते हैं। बिल्कुल सही है, एक स्टेट बड़े 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 माफिया के लोग होते हैं ये, यू नो, इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन उसका उन लोगों को लोग पहचानते हैं, पहचानने वाले उस माफिया को, और उन लोगों का नाम आप इसलिए नहीं ले सकते इसलिए कोई प्रूफ नहीं होता। सही, बिल्कुल है, सही है। तो ये तो ये जो भी आप इलीगल काम करेंगे दुनिया के अंदर, स्मगलिंग करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, ठीक है ना, ठीक, उसमें लोग माफिया के लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये सिसिलियन माफिया क्या है इटली में, वो यही है। अच्छा, कि सारे बड़े बड़े टॉप के माफिया के लोग हैं दुनिया पे रूल करते हैं। गॉडफादर फिल्म देखी होगी आप? जी जी बिल्कुल। तो वो सारा वही है। जी जी जी, सही है, सही है। कहते हैं कि जिस तरीके से आपने दूसरे सिटीज का नाम लिया, बम्बई, दुबई और मलेशिया का, हम जहाँ तक हमारे खत्ते का ताल्लुक है, पाकिस्तानी या इंडियन सट्टेबाजी गैम्बलिंग ये वो, उसमें सेंटर जो है वो इंडिया है, बम्बे। वैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची, तो वो कराची में तो देखना डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर तो मुख्तलिफ किस्म के जुए होते हैं। अच्छा, मतलब ये बिजनेसमैन निकल गए अपने दुकानों से और जहाँ जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और शाम को सड़कों पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये फलां कार जो आ रही है इसके बीच का नंबर 6 है, तो दूसरे ने कहा नहीं, उस बीच का नंबर 7 है, 10 लाख रुपए चल रहा है। कोई रोक नहीं सकता, नहीं तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्या क्या बोलेगा कोई से? ये भी जुआ है। बिल्कुल जुआ तो है ये। अच्छा, तो फिर क्रिकेट ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है और एंटरटेनमेंट भी मिलेगी आपको? तो खेल तो खेल है और चलता रहेगा, और ये जिंदगी भर जब तक क्रिकेट है, जब तक कोई खेल है, जुआ भी चलता रहेगा। अब ये कि आप कितने, आपका नफ्स कितना स्ट्रांग है, आप कितने ज़र्फ़ या कम ज़र्फ़ हैं एज ए स्पोर्ट्समैन के आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं या ना हो, ये आप पर इंडिविजुअल पे इनफरादी चीज़ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हाँ, डू यू थिंक अगर हम गैम्बलिंग माइनस कर दें क्रिकेट में से या किसी भी स्पोर्ट में से, तो उसका चार्म उतना रहेगा? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है कि माइनस कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, चार्म तो हमेशा रहेगा। अच्छा, क्रिकेट जब तक दुनिया है ये खेल चलता रहेगा, गैम्बलिंग भी चलती रहेगी, खेल भी चलता रहेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जैसे चल रहा चलाओ बस। अच्छा, कोशिश कर सकते हैं कम कर लें इसको? कोशिश बाय लॉ, बाय लॉ, अगर आप कानून बना दें कि इस मुल्क में गैम्बलिंग लीगल है, तो उसमें फिर खिलाड़ियों के फंसने का चांस कम हो जाता है। जिसलिए कि जब नेचर ऑफ गैम्बलिंग इज इलीगल, तो मैं आपको ट्रैप में ले लूंगा कि यार ये इतने पैसे रख ले यार, कल आप 2 नो बॉल कर देना। लेकिन इसको अगर हम कानून के अंदर ले आएंगे तो भी ये कम कैसे होगा? ये कम यूं हो जाएगा कि उनको डर और खौफ होगा कि अगर ये पकड़ लिया गया और प्रूव हो गया तो सीधा अंदर, लाइफ बैन। अच्छा, कानून का डर है, जब कानून का डर नहीं होता तो आप जो मर्जी करते रहे। आप जैसे हमारे पाकिस्तान की ट्रैफिक देखते हैं, कानून का कोई डर नहीं है, बिल्कुल, जिसकी जो मर्जी आए आपको ओवरटेक कर लेगा, जिसकी जो मर्जी आए आपके कार पे थूक देगा। नो डाउट। अच्छा, लास्ट, कौन सा पाकिस्तानी ऐसा प्लेयर या बैट्समैन या क्या कहते हैं क्रिकेटर है जिसकी, जिसके स्कैंडल ने आपको सबसे ज़्यादा मायूस किया? मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ पाकिस्तान के इस क्रिकेटर से, जिसको बैन किया गया, वो सलीम मलिक था। अच्छा, इसलिए इतना ज़बरदस्त फ्यूचर, दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, खूबसूरत खेलने वाला, एलिगेंट, स्टाइलिश, मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ कि उस जैसा बंदा और इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया था और बैन हो गया। ठीक। चलें कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने में। जी तो नाज़रीन, ये थी आज हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी क्रिकेट पे और क्रिकेट के हवाले से, फिर उसका जो एक नेगेटिव आस्पेक्ट है उसके हवाले से, और होपफुली आपने तकरीबन सारी चीज़ें ही आपको पता चल गई होंगी पाकिस्तान के हवाले से, और थोड़े से हमने दूसरी चीज़ें भी बताने की कोशिश करी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कहाँ क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली क्या क्या हो रहा है इसको भी बताने की कोशिश की।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।